जय हिंद साथियों, नमस्कार नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वो क्लास को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके का एक रामबाण सीरीज शुरू किए हैं और टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में है। इनका गठन कब हुआ था, इन सभी बातों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे आपके प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस क्लास को देखना आप मत भूलिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से एक बार फिर से अनुरोध है आप सभी से कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर आप क्लास की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैप में, ये हमारा भारत देश है। और ये हमारा भारत देश जो है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। कहाँ पे स्थित है ये? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है हमारा प्यारा भारत देश। अर्थात कहने का मतलब ये जो पूरा भारत है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, है ना। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साथियों बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप याद रखिएगा कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और हमारा भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है ना, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम भारतीय राज्यों की राजधानियों के बारे में बात करेंगे। और इसमें पूर्वोत्तर राज्य जो हैं आपके, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपका पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है साथी वो है ईटानगर, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अगला राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है साथी ये है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 21 जनवरी 1972 को इस राज्य का गठन किया गया था। अगला राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और स्थापना की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1963 को इस राज्य का गठन किया गया था, यानी इसकी स्थापना किया गया था। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इम्फाल यहाँ की राजधानी है, लेकिन मणिपुर की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 1972 को। यानी त्रिपुरा और मणिपुरी आपके एक ही साल एक ही दिन स्थापित किए गए थे। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और इसे भी आपका 20 फरवरी 1987 को स्थापित किया गया था, यानी इसका गठन किया गया था। अगला राज्य है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, और इसे भी 26 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था, इसको गठित किया गया था। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और 16 मई 1975 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितनी है? 8 है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 8 है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है और सिक्किम है। तो
तो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनकी संख्या 8 है और इनकी राजधानियों के बारे में हमने बात किया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 20 फरवरी 1987 को इस राज्य का गठन होता है। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। 21 जनवरी 1972 को इस राज्य का गठन होता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को इस राज्य की स्थापना होती है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को इस राज्य का स्थापना होता है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन किया जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। 21 जनवरी 1972 को इस राज्य की स्थापना होती है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 16 मई 1975 को इस राज्य की स्थापना होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्थापना से रिलेटेड हो चाहे वो राजधानी से संबंधित हो। चलिए आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं उत्तर भारतीय राज्यों के बारे में। तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 8 है लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। इसमें पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और 25 जनवरी 1971 को इस राज्य का गठन किया गया था। अगला राज्य है उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसकी दो राजधानियां हैं। गर्मियों के दिनों में यहां पे देहरादून राजधानी होती है और सर्दियों में गैरसैंण यहां की राजधानी होती है। इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और इस राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को इस राज्य का गठन किया गया था। इसके अलावा हरियाणा राज्य है जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, इसे भी 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ और इसका स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो साथियों, उत्तर भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी भारतीय राज्यों के बारे में। तो हमने उत्तर भारतीय राज्यों, पूर्वी भारतीय राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं अब, है ना। इससे पहले हमने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात कर लिया और उत्तर भारतीय राज्यों के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं पूर्वी भारतीय राज्यों के बारे में। तो पूर्वी भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है और इसकी स्थापना जो है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है जिसका स्थापना दिवस है 15 नवंबर 2000। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है और इसे 26 जनवरी 1950 को गठित किया गया था। अगला राज्य है उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर और इसे 1 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था। तो साथियों, पूर्वी भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इन सब की राजधानी के बारे में हमने बात किया। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो आप राजधानियों को याद रखिए और इनके स्थापना दिवस को भी आप याद रखिए। इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब मध्य भारतीय राज्यों के बारे में। तो दो राज्य ऐसे हैं जो हमारे देश के मध्य में स्थित हैं, यानी जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे दिल में रहते हैं, है ना। जैसे पहला राज्य हो गया आपका छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो भारत के बीचों बीच स्थित हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो रायपुर है और इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद आपका राज्य है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, इसे भी 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था, इसका यानी इसका स्थापित किया गया था। तो मध्य भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 2 है, है ना। अब बात करते हैं पश्चिमी भारतीय राज्यों के बारे में। पश्चिमी भारतीय राज्य कितने हैं? तो 3 राज्य ऐसे हमारे जो पश्चिम भारत में स्थित हैं, वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तीनों राज्य हमारे पश्चिम में स्थित हैं। इसमें राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है और इसे 30 मार्च 1949 को स्थापित किया गया था, यानी इसका गठन किया गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी बम्बई है और 1 मई 1960 को इस राज्य का गठन किया गया था।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसे भी 1 मई 1960 को गठित किया गया था, यानी इसका स्थापना दिवस जो है वो 1 मई 1960 को किया गया था, है ना। 1 मई ये इसका स्थापना दिवस है। तो पश्चिम भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 3 है। कौन कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में, जो हमारे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो इसमें आपके कितने राज्य हैं, तो इसमें साथियों आपके 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यहाँ पे साथियों ये 27वां होगा और ये 28वां राज्य होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में, कितने राज्य हैं हमारे दक्षिण में, तो ये हैं 6 राज्य, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब इनकी राजधानियों के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है और इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। गोवा की राजधानी पणजी है, जिसका स्थापना 30 मई 1960 को किया गया था। तो गोवा का अगर आपसे पूछा जाए स्थापना दिवस क्या है, तो 30 मई 1960 है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम और इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था, यानी इस राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बनता है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है साथियों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, एक है अमरावती, विशाखापट्टनम और एक है कर्नूल। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, कर्नूल। और इस राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, इतना आप याद रखेंगे। और सभी साथी क्लास को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला राज्य है तेलंगाना, जो कि 2019 में शायद भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। ये जिस टाइम इसका गठन हुआ था उस समय ये भारत का 29वां राज्य था। तो अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था, तो आप 29वां लिखेंगे, ना कि 28वां लिखेंगे, है ना। वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, लेकिन 29वें राज्य के तौर पे इसका गठन किया गया था और 2 जून 2014 को किया गया था। सॉरी साथियों, 19 जून 2014 में किया गया था। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, है ना। तो इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था, भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। हालांकि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़। इस सीरीज में हम लोग भारत से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। और डेली क्लास में हम बता रहे हैं आपको कि एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में हम आएंगे और आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम है स्टैटिक जीके को लेकर, उन सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिक जीके की जो ये रामबाण सीरीज है, इसे देखना है आप मत भूलिएगा साथियों। डेली आप इस क्लास में आएंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे, है ना। तो दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में हम बात कर रहे थे। दक्षिण भारत में हमारे 6 राज्य हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिनकी राजधानियाँ और स्थापना दिवस के बारे में हमने बात किया। तो साथियों ये तो हो गया भारतीय राज्यों की राजधानियों के बारे में। अब जैसे मैंने कि आपको बताया कि हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो भारतीयों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में बात करें, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा व नगर हवेली एवं दमन और द्वीप है। ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक कर दिया गया है। तो चलिए इनके राजधानियों और इनके गठन की बात कर लेते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियां हैं। गर्मियों में आपका श्रीनगर होता है और सर्दी में आपका जम्मू होता है। इस
केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। आई बात समझ में। लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी लेह है और इसे भी 31 अक्टूबर 2019 को हाल ही में इसे केंद्र शासित प्रदेश गठित किया गया है। तो साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और पहले हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे, हालांकि बीच में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन फिर दादरा व नगर हवेली को एक कर दिया गया और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है और 1 नवंबर 1966 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस है, इसका गठन किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और 1 नवंबर 1956 को इसे गठित किया गया था। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 को इसे गठित किया गया था। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और 1 नवंबर 1956 को ही इसे गठित किया गया था। अगला आपका केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन है और 26 जनवरी 2020 को इसे केंद्र शासित प्रदेश गठित किया गया, यानी इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा और सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। इस क्लास में हमने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में बात किया, साथ ही हमने ये भी बात किया कि किस राज्य को कब गठित किया गया था, यानी उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इन तमाम बातों को हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया, यानी ये आपका बहुत ही कम्प्लीट क्लास था, आपको देखने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी बात साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।